रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के लीडर नईम खान को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी चेयरमैन नॉमिनेट किया। इस मौके पर कुडा चेयरमैन मजर आलम खान, मुबीन अहमद, सैयद अकबर मौलाना, एक्स कॉरपोरेटर मुबीन, मकबूल अहमद सगरी, दलित सेना के अशरफ अली, बंदे नवाज पटेल, तहसीन खान, असद खादरी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जीलानी और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने फेलिसिटेट कर नईम खान को माइनॉरिटी चेयरमैन नॉमिनेट होने पर मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहु। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जनाब नईम खान साहब के बर्थडे के मौके पर, सालगिरह के मौके पर मैं उनको अपनी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और सालगिरह के इस खुशी के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आपको एक अजीम तोहफा, एक बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन के ओहदे से नवाजा है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नईम खान साहब जिस तरह से अपना समाजी सोशल ह्यूमैनिटी का जो रिकॉर्ड रखते हैं वो अपने में आप अलग है। कोविड के दौर में और जो हमारा रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर होने की हैसियत से आपने जिस तरह दरगाह के गुंजान आबादी इलाके के रोड को जिस तरह वाइट किया है, चौड़ाई किया है, वो भी एक आपके नाम के साथ जुड़ता है। इनके कारनामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मैडम कनीस फातिमा को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर डी के शिव कुमार साहब और सिद्धरमैया साहब को मुबारकबाद देता हूं कि एक हरकियाती लीडर, एक हरकियाती कायद कांग्रेस पार्टी से जो हमेशा से जुड़े हुए थे, उनको एक आपने माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का जो अहदा दिया है वो बहुत सही एक शख्सियत को दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस अहदे से पूरा इंसाफ करेंगे और तमाम माइनॉरिटीज़ को अखिलियतों के जो मसले मसाइल हैं, जो अभी तक जो सर्द खाने में पड़े हुए थे, उसको आप आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहु। मैं नईम खान साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट दिए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नईम खान साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए ही नहीं, तमाम तबके के लोगों के लिए कोविड में, आप सब ने देखा है कोविड में घर घर राशन पहुंचाने का, तरकारी पहुंचाने का काम करे हैं, और जिस तरह से नईम खान साहब आवाम के साथ इंसाफ करते हैं उसी तरीके से मैं आगे भी उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही गरीब लोगों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और तमाम माइनॉरिटीज़ के तरफ से और हम सब के तरफ से मैं और एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो भी जिम्मेदारान हैं जिन्होंने भी नईम खान साहब को ये तोहफ़ा दिया है, उनके जन्मदिन पर ये तोहफ़ा दिया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जनाब नईम खान साहब, आपके जन्मदिन की इस खुशी के मौके पर गुलबर्गा अजलान वसीम भाई, मैं मोहम्मद जिलानी, हमारे मोइज़ भाई, आपके तमाम दोस्त और आपके तमाम मेहमान दिल की गहराइयों से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत और हर वक्त कमी भी अता करे।